हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 8 जो चैप्टर है हम लोगों का डेसिमल, उसमें हम लोगों ने कंपैरिजन ऑफ डेसिमल कंप्लीट पढ़ लिया है। तो जिन लोगों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखा है वो लोग बगल में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर देंगे हम, वहाँ से आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, जैसा यहाँ देख रहे हो, कि कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इंटू डेसिमल। हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर होंगे जिनको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो इससे पहले के जो भी टॉपिक्स हैं वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो आप लोग पहले जाके वो वीडियो, अगर वो वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखिए, देन उसके बाद ये वीडियो देखिए, ठीक है। तो अभी हम लोग चलेंगे, देखेंगे कि हम अपने फ्रैक्शन नंबर्स को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। आज थोड़ा सा सेटअप चेंज हुआ है, उसमें यार प्रॉब्लम हो रही थी कि जो मार्कर का इंक है उसकी वजह से मुझे एलर्जी हो रही थी, तो इस वजह से मैंने ये सारा सेटअप चेंज किया है और अब हम आप लोगों को चॉक के माध्यम से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे हम लोग चेंज करते हैं ये देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें आएगा कि भाई जो हमारे फ्रैक्शन, देखो यहाँ पे दो तरीके से, एक फ्रैक्शन हमारे होंगे जिनमें हमें जो डिनोमिनेटर है उसमें 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़ मिलेगा, और दूसरे टाइप का जो फ्रैक्शन नंबर होगा उसमें हमें 10, 100, 1000, 10,000 लाख करोड़ एक्सेट्रा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दोनों टाइप से हम लोग देखेंगे कि दोनों टाइप के फ्रैक्शनल नंबर को हम लोग कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक हम लोगों का रहेगा हैविंग डिनोमिनेटर टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड एटसेट्रा। यार चौक से लिखने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा, तो आप लोग इसको एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। चूँकि हम पहली बार चौक से पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा वो फ्लो नहीं बन पा रहा लिखने का, ठीक है। अभी तक जितना भी पढ़ाया वो हम मार्कर से ही पढ़ाए हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक हम लोगों का क्या है कि डिनोमिनेटर जो फ्रैक्शन है हमारा उसका डिनोमिनेटर 10, 100 और 1000 या फिर 10,000 या फिर इससे बड़े नंबर्स भी हो सकते हैं। कहने का मतलब कि डिनोमिनेटर में 1 के बाद जीरोज होने चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे पास है 23/10, राइट। अब 23/10 है, हमें इसको क्या करना है, डेसिमल में चेंज करना है। तो हम सिंपली करते क्या हैं कि जो हमारा नंबर है, दैट मींस कि जो हमारा न्यूमरेटर है उसको तो सबसे पहले एज इट इज लिख लेना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 23 को एज इट इज लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि डिनोमिनेटर में जितने जीरो हैं, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं 10 है, 10 में मींस कि 10 है, ठीक है। तो हम अपने न्यूमरेटर में क्या करेंगे, 1 प्लेस पे डेसिमल लगा लेंगे, ठीक है। कहने का मतलब कि न्यूमरेटर वाला नंबर जो है एज इट इज पहले लिख लेना है, फिर डिनोमिनेटर में जितने जीरो हैं न्यूमरेटर में राइट हैंड से उतने डिजिट पे डेसिमल लगा देंगे, सिंपली, ठीक है। फिर अगला नंबर अगर हम देखें तो 247/100, ठीक है। मींस कि अब की बार हमने देखा कि 247/100 है, तो फिर से वही काम करना है। न्यूमरेटर हमारा क्या है, 247, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसमें कितने जीरो हैं, 20 हैं। तो हम राइट हैंड से देखेंगे 1, 2, 2 प्लेस पे यहाँ पे डेसिमल लगा लेंगे, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब एक चीज़ और देखो, कभी कभी हो सकता है कि न्यूमरेटर में हमारे डिजिट्स कम हो, ठीक है। जैसे कि लिखा हो 7/10,000, राइट। अब यहाँ पे 10,000 है, 7/10,000, तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले वही प्रोसेस 7 हमने एज इट इज लिख लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कितने जीरो हैं, 1, 2, 3, 4 जीरो हैं, तो हमें क्या करना है, डेसिमल 4 प्लेस पे लगाना है। तो एक प्लेस तो हमारे पास ऑलरेडी है, हम क्या करेंगे, बाकी 3 प्लेस पे जीरो इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ यहाँ पे हमारा डेसिमल लग जाएगा, तो जो 7/10,000 उसका डेसिमल नंबर क्या आएगा, 0.0007, ठीक है। और अगर नंबर देखें और अगर यहां पे हम नंबर देखें तो जैसे लिखा है हमारे पास 37/
1000, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 37 को एज इट इज़ लिख लेंगे। देन उसके बाद हमारे पास डिनोमिनेटर में 30 है, हमारा जो डेसिमल है वो 3 प्लेस पे होना चाहिए, तो 1, 2 और 3 प्लेस बनाने के लिए एक हम यहाँ पे 0 ऐड कर लेंगे, देन उसके बाद डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे फ्रैक्शनल नंबर हैं उनमें अगर डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000 एट्सेट्रा है, तो हम इस तरीके से उसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, राइट। अब दूसरा टॉपिक है हम लोगों का कि भाई अगर जो हमारा डेसिमल सॉरी फ्रैक्शन है उसमें डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 ना हो तब क्या करेंगे। तो जिसको ये नोट करना है वो वीडियो को पॉज करके इसको सारा नोट कर सकता है, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप से जो भी है वो देखते हैं। अब की बार टॉपिक क्या है, नॉट हैविंग डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 एट्सेट्रा, ठीक है। कहने का मतलब कि अब की बार डिनोमिनेटर हमारा 10, 100, 1000 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जैसे हमारे पास है 23/6, एक हमारा फ्रैक्शन है, इसको हमें क्या करना है डेसिमल में चेंज करना है। तो हम इसके लिए करेंगे क्या, 6 से 23 को डिवाइड करना, वैसे ही जैसे डिवीजन हम लोग करते हैं, ठीक है। अब 6 से इसको डिवाइड करो तो 6 3 कितना हो जाएगा, 18, माइनस करेंगे यहाँ पे कितना बच जाएगा, 5, ठीक है। अब देखो यहाँ 6 से 5 डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 5 छोटा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेसिमल लगा लेंगे और यहाँ पे एक 0 इंक्रीज कर लेंगे। अब 6 8 कितना होता है, 48, फिर से माइनस करेंगे यहाँ 2 बच जाएगा। अब देखो ऑलरेडी डेसिमल लगा है तो हर बार हम यहाँ पे 0 इंक्रीज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब फिर से 6 3 18 हो जाएगा, माइनस करेंगे फिर 2 बचेगा, एंड आगे अगर ऐसे यही प्रोसेस फॉलो करते जाएंगे तो ये 3 3 3 होता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा 23/6 है इसका डेसिमल नंबर क्या आ गया, 3.833, राइट। इस तरीके से हमको जो हमारे फ्रैक्शन है मींस कि जिनका डिनोमिनेटर 100,000 या फिर 10 नहीं है, उनको इस तरीके से हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। मान लेते हैं हमारे पास है 478/5, ठीक है। सिंपली वही काम करना है, 5 से हमको डिवाइड करना किसको, 478 को, राइट। अब इसको डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 5 9 45, माइनस करो यहाँ 2 बच जाएगा, 28 हो गया। 5 5 25, माइनस करोगे यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, डिवाइड नहीं होगा, तो पहले यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे 0 इंक्रीज कर लेंगे, 5 6 30, ये माइनस हो गया। दैट मींस कि जो 478/5 है इसका डेसिमल नंबर कितना आ जाएगा, 95.6, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा बड़ा नंबर लेने की कोशिश करें हम, मीन्स कि बड़े नंबर को चेंज करने की कोशिश करें, इसको इरेज कर देते हैं हम, मान लेते हैं नंबर है हमारे पास 4327/12, ठीक है। तो वही काम करना, 12 से 4327 को डिवाइड करना है, 12 से हम लोग डिवाइड करेंगे 4327 को, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 3 times 36, माइनस करो कितना बच जाएगा यहाँ पे, 7, ठीक है, 7 ही बचेगा ना। अगला डिजिट हमारा है 2, फिर उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो 6 times हो जाएगा 72, माइनस करेंगे यहाँ पे 0 0 आ गया, अगला डिजिट 7 कैरी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब ये
हो गया है, दैट मीन्स कि 7 आ गया। अब ये डिवाइड होगा नहीं, है ना। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक डिजिट है, हम पहले यहाँ 0 इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। अभी भी ये डिवाइड नहीं हो रहा, अब डेसिमल लगा के फिर से हम यहाँ पे 0 इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद 12 से इसको डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 60, राइट। माइनस करोगे यहाँ पे हो गया 10, फिर डिजिट एक 0 बढ़ा लेंगे, फिर से कितना हो जाएगा ये 8 times 96। माइनस करो यहाँ 4 हो जाएगा, 0 बढ़ा लेंगे, फिर से 3 टाइम्स हो जाएगी 36, फिर से माइनस करोगे 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे इसका डेसिमल वैल्यू कितना आ जाएगा, 360.5833, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपने जो फ्रैक्शन है उनको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, इस क्लास में यहीं तक रखते हैं, बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।